सो गाइस, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और ध्यान दीजिएगा कि 2021 में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसमें 99% पूछे जा सकते हैं, इसलिए आज की वीडियो आप स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको होता है घाटा, हमें होने वाला नहीं है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई भी जॉब वैकेंसीज या एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म आती है तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड सबसे पहले दी जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए गाइस टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मृदा में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो होती है जीवाणु, और जीवाणु की संख्या मृदा में सर्वाधिक होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है आपसे कि ऊसर भूमि सुधार में किस रसायन का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊसर भूमि के सुधार करने के लिए हम जिस रसायन का उपयोग करते हैं वो रसायन होता है कैल्शियम सल्फेट। कौन सा रसायन होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया आपसे कि यूरिया में हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है। तो यूरिया में जो हानिकारक पदार्थ होता है वो होता है बाई यूरेट। क्या होता है? बाई यूरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए पूछा गया स्ट्रिप परीक्षण किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। तो आपको जानना चाहिए कि स्ट्रिप परीक्षण जो बीमारी में प्रयोग किया जाता है वो थनैला रोग में प्रयोग किया जाता है, और इसी में परीक्षण किया जाता है, और ये पशुओं के लिए होता है। थनेला बीमारी जो पशुओं में हो जाती है तो इसी की मदद से परीक्षण करके पता करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया विश्व में महीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, महीन जो उत्पादन है यहाँ पे, महीन उत्पादन, तो ये महीन बाल के लिए है। क्या? महीन बाल के लिए है। तो यही विश्व में महीन उत्पादन नहीं, महीन बाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो मैरिनो, कौन सी है? मैरिनो नस्ल है जो कि सबसे ज़्यादा पाली जाती है। कौन सी है? मैरिनो, ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CGRI सेंट्रल गोट 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 मीन्स बकरी, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? मखदुम में है। कहाँ पे? मखदुम में है। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया दुग्ध ज्वर बीमारी किसके कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दुग्ध ज्वर बीमारी जो होती है वो कैल्शियम की कमी के वजह से हो जाती है। किसकी कमी के वजह से? कैल्शियम की कमी के वजह से होती है। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो आपको बता दूं, मक्खन में जो जल की मात्रा होती है वो 16% होती है। कितनी होती है? 16% होती है। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और बताना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेयरी पशुओं में गाय की सबसे सुंदर व आकर्षक नस्ल कौन सी है। तो आपको बता दूं, आयरशायर नाम से जो नस्ल आती है वो सबसे सुंदर और आकर्षक नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। पूछा गया है कि भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भेड़ का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज है, ओविस एरीज है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाती है, हम खुद टाइपिंग करते हैं और जल्दी में टाइपिंग होता है तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। तो भेड़ की संकर नस्ल है, तो भेड़ की जो संकर नस्ल है वो हिसार डेल है। क्या नाम है उसका? हिसार डेल है।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपीड़न छल्ले लगे होते हैं, तो संपीड़न जो छल्ले लगे होते हैं वो पिस्टन पे लगे होते हैं। किस पर लगे होते हैं? पिस्टन पर लगे होते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वम, सिल्वम एक प्रजाति है, तो सिल्वम जो एक प्रजाति है वो किसकी है? मटर की है। किसकी है? मटर की है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मटर की चूड़िल आसिता अवरोधी प्रजाति है, तो मटर की जो चूड़िल आसिता प्रजाति है वो आपको बता दूं वो कौन सा है? रचना है। कौन सा? यहाँ पे देख रहे हैं, रचना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया कि भिंडी का पीला सीरा मोजेक रोग कौन फैलाता है, तो भिंडी का पीला सीरा मोजेक रोग जो फैलाता है वो इंसेक्ट है सफ़ेद मक्खी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट फ्लाई। और व्हाइट फ्लाई सबसे ज़्यादा वायरस फैलाने वाला इंसेक्ट भी है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर से जांच होती है, तो TSS होती है, मतलब शुगर की जांच होती है गन्ने में कि कितना मात्रा में है शुगर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। आलू में कंद बनाने के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए, तो आलू में कंद बनने के लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है वो रहना चाहिए 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो बताना। स्टार्ट करते हैं व्हाइट ग्रब। ध्यान दीजिएगा, जमीन के अंदर ये पाया जाने वाला व्हाइट ग्रब होता है और ये हमेशा सी शेप में होता है, मतलब सी आकार में ऐसे रहता है, ऐसे व्हाइट ग्रब होता है, ऐसे रहता है। और ये क्या करता है? प्लांट के जो जड़ होते हैं उसके रूट को काट देता है, जिससे प्लांट सूख जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ याद रखे रहेगा। तो व्हाइट ग्रब किस फसल में सबसे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि मूंगफली का, जो जब मूंगफली बोते हैं तो ज़मीन के अंदर ही उगाया जाता है, तो वहाँ के अगर जड़ को काट देंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होगा? मूंगफली में। तो ये ध्यान दीजिएगा। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं में आधार गुणसूत्र संख्या है, तो गेहूं का जो आधार गुणसूत्र संख्या होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और बताना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ, तो भारत में जो संकर किस्म सबसे पहले, जो संकर हाइब्रिड वेराइटी जब बनी थी तो किस पे रिसर्च हुई थी, और सबसे पहले कपासी की बनी हुई थी। इसका कपास अर्थात रुई। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बीज की सुसुप्ता अवस्था दूर करने के लिए उचित रसायन कौन सा होता है, तो बीज का सुसुप्ता अवस्था दूर करने के लिए उचित जो रसायन होता है वो थायो यूरिया होता है। क्या होता है? थायो यूरिया होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल सुपर फास्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो एकल सुपर फास्फेट में जो गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 12। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो बताना स्टार्ट करते हैं। जीवों में जीवन कहाँ होता है, तो जीवों में जो जीवन होता है वो जीव द्रव्य में होता है। किस में होता है? जीव द्रव्य में होता है। कभी कभी बोला भी गया है, कहीं कहीं पढ़ेंगे जीव द्रव्य जीवन का आधार है, पढ़े होंगे कभी, बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि केंद्रिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो केंद्रिका की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक थे बिन जोरिक थे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। केचुए पर शोध पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, तो केचुए पे जो शोध किए थे उनके पुस्तक वो लिखे थे और वो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, तो वो कौन थे? तो वो थे कर्म नारायण बहल। कौन थे? कर्म नारायण बहल थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम कीट पालन करने को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट पालन करने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और मधुमक्खी पालन करने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं?
एपीकल्चर। ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको ही प्रॉब्लम्स होंगे, हमें नहीं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया आपसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, हम विटामिन पे क्वेश्चन आपको नहीं प्रोवाइड कराए हैं, सोच रहे हैं कि आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक दिन मैं टोटल ही विटामिन पे एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सीरियल बाय सीरियल करा रहे हैं तो विटामिन के भी क्वेश्चन दे देंगे आपको, क्या बीमारी होती है, क्या खाने से विटामिन पूर्ण हो जाता है हमारे शरीर में, ये सभी चीज़ें। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, ये आप जानते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया कि खरगोश में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो खरगोश में जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है, और ये 13 क्या होती है, जोड़ी में रहती है, मतलब एक जोड़ी में दो होता है, ध्यान दीजिएगा, तो आप जोड़ लीजिए घटा लीजिए जो भी करना है कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धमनी और सिरा में रुधिर का पीएच कितना होता है या क्या होता है। तो धमनी और सिरा में रुधिर का पीएच जो होता है वो दोनों में बराबर होता है, दोनों में बराबर रहता है। चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नब्ज की दर मापी जाती है, तो नब्ज की जो दर मापी जाती है वो धमनी में नापी जाती है, किसमें, धमनी में मापी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्प का जो अध्ययन कहलाता है वो पेलिनोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है आपसे कि विज्ञान की किस शाखा में हरित क्रांति संबंधित है। तो पादप प्रजनन में क्या है, हरित क्रांति का संबंधित है, पादप प्रजनन क्या है, हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृक्षों का अध्ययन कहलाता है, तो वृक्षों का अध्ययन क्रिया विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिया विज्ञान कहलाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चने में भोजन एकत्रित रहता है, तो चने में जो भोजन एकत्रित रहता है वो बीज पत्रों में एकत्रित रहता है, कहाँ पे, बीज पत्रों में एकत्रित रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुंडक पुष्प क्रम पाया जाता है, तो मुंडक पुष्प क्रम जो पाया जाता है वो गेंदा में पाया जाता है, कहाँ पे, गेंदा में पाया जाता है। अगला, सरसों के पौधे में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है, तो सरसों के पौधे में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मक्का के पौधों में परागण होता है, तो मक्का के पौधों में परागण कहाँ से होता है, वायु से के द्वारा होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि नींबू सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है, तो नींबू कहाँ पैदा सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में। अगला, अर्ली ड्रम हेड प्रजाति है, तो अर्ली ड्रम हेड प्रजाति जो है वो ध्यान दीजिएगा, अगर हेड शब्द आ जाता है तो हेड हमेशा ऊपर रहता है, तो ऊपर किसका रहता है, पत्ता गोभी का, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ हमेशा याद रखे रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है, तो अरहर में दाना और डंठल का अनुपात क्या होता है, 1:6 होता है, 1:6 होता है। अगला, रेटिंग किस फसल से संबंधित है, तो अगर ध्यान दीजिएगा कि रेटिंग क्या होता है, ये फिशिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में दे दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो के देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो पड़ी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेटिंग किस फसल से संबंधित है, जूट से संबंधित है, किससे है, जूट से संबंधित है। पेपेन किससे प्राप्त होता है, तो पेपेन पपीता से प्राप्त होता है, पेपेन किससे प्राप्त होता है, पपीता से प्राप्त होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है, तो जल कटाव की प्रथम दशा बूंद अपरदन कहलाती है, क्या कहलाती है, बूंद अपरदन कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलहनी फसलों के लिए अधिक लाभदायक उर्वरक है, तो दलहनी फसलों के लिए अधिक लाभदायक उर्वरक क्या है, फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस है, क्योंकि नाइट्रोजन उसके जड़ में पहले से ही एकत्रित होते रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सेलिंग, अभी हमने बोला है कि सेलिंग, रेटिंग, ये सभी चीज़ें वहाँ वीडियो में पड़ी है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। सेलिंग किससे संबंधित है, तो सेलिंग गन्ना से संबंधित है, किससे संबंधित है, गन्ना से संबंधित है। अगला, सप्रेटा मिल्क का रंग कैसा होता है, तो सप्रेटा जो मिल्क होती है उसका रंग नीला लिए हुए पीला होता है, नीला लिए हुए पीला होता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता कैसे करते हैं। तो हंस परीक्षण के द्वारा, हंसा परीक्षण के द्वारा ज्ञात करते हैं।